नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो, तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक जॉब लेके आया हूँ जिसमें आपके पास ना तो लैपटॉप या वाईफाई नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कंपनी द्वारा फुल सेटअप दिया जाएगा जिसमें आपका लैपटॉप, वाईफाई और जो बेसिक चीज़ होती है वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। आज जिस कंपनी के बारे में बात करना है और आपको जो कर रहे हैं वो फिनटेक कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका जो काम होने वाला है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल बताऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, कैसे आपका काम होने वाला है, वो सब कुछ डिटेल बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इस जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका कंपनी का नाम है टाइड। टाइड आपकी एक फिनटेक कंपनी है जो फाइनेंशियल टेक्निकल्स रिलेटेड आपके जो क्लाइंट के जो क्वेरीज होती हैं वो रिजोल्व आउट करती है। तो यहाँ पर आपका एज अ काम आपका जो कस्टमर सपोर्ट का ही यहाँ पर आपका काम होने वाला है। एज अ इसमें जो क्रेडिट कार्ड जो काम होता है उस टाइप का काम होने वाला है। तो क्रेडिट कार्ड सुन के आपका ये नहीं कि आपका सेल्स या टारगेट से रिलेटेड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड का जो सब काम होता है, जैसे आप मान लो किसी क्रेडिट कार्ड वालों की इंक्वायरी लेते हो आप स्टार्टिंग में कि उसका कितना क्रेडिट स्कोर है, उसकी क्या बेसिक डिटेल्स है, क्या है उसका जो ऑक्यूपेशन है वो, कि क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये जो आपका ये सब काम होने वाला है। तो ये कंपनी आपकी फिनटेक कंपनी होने वाली है और इसका जो पैकेज होने वाला है वो 5 लाख LPA होने वाला है। 5 LPA, ठीक है, 5 लाख पर एनम आपका होने वाला है, जिसमें लगभग मान के चलो तो 25 से 30 हज़ार आपकी सैलरी होने वाली है। तो कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसकी क्वालिफिकेशन आपको बता दूँ, कंपनी ने तो कुछ क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं मांगी, उनको तो थोड़ा सा एकदम परफेक्ट बंदा चाहिए। क्वालिफिकेशन इनने डिटेल में नहीं डाली है, बट 12th पास होना तो जरूरी है और आपको ऐसा गुड बंदा, एक मतलब गुड नॉलेजेबल बंदा उनको चाहिए। तो 12th पास होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन पे थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करोगे तो आप टाइड के पेज पर चले जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो आपकी क्रेडिट सर्विसेज एसोसिएट की आपकी होने वाली है। लोकेशन आपकी जो है वो आपकी हैदराबाद है, बट आपका जो काम है वो रिमोट वर्किंग आपका काम होने वाला है, मतलब वर्क फ्रॉम होम काम होने वाला है। यदि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो तो आपको हैदराबाद जाना पड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हो पोस्टेड रिसेंटली, कल 29 तारीख थी नवंबर की, तो कल ही लिस्ट हुई है। जितनी जल्दी हो सके तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर देना। डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, मेंबर सपोर्ट एंड हु आर टाइड। तो यहाँ पर टाइड की कंपनी है उसके बारे में बताया कि यूके बेस्ड आपकी कंपनी है जो कि एक फिनटेक कंपनी होने वाली है। आपका जो वर्किंग है वो क्या वर्किंग आपको करना है, यू विल बी हेल्पिंग अ बिजनेसेस ऑल अक्रॉस द यूके टू बिकम सक्सेस स्टोरी। यू विल लव टॉकिंग टू पीपल्स एंड हैव टू एम्पैथेटिक एंड प्रोटेक्ट नेचर अलॉन्ग विद अ पेशेंस फॉर अ सॉल्विंग मेंबर्स प्रॉब्लम। आपको जो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है बहुत अच्छे तरीके से बात करके, ठीक है, पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको हर चीज़ के लिए। यू विल प्ले अ की पार्ट इन हेल्पिंग अ टाइड एक्सपैंड बाय द प्रोडक्ट अराउंड द क्लॉक सपोर्ट एवरी डे ऑफ द ईयर। देन आपका एज अ क्रेडिट सर्विस एसोसिएट यू विल बी डूइंग स्पोर्टिंग एंड नोटिंग पैटर्न इन अ सेकेंड नेचर टू यू। फिर आपकी स्टेपिंग अप टू डेट टू जनरल टॉपिक सपोर्टेड लेवल 1, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। और आपके पास कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको मिलने वाली है, आपका यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस होने वाला है फैमिली का भी, और बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स देख सकते हो। वर्क फ्रॉम होम सेटअप आपको अलाउंसेस मिलेगा अलग से, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है सबसे ऊपर, देन आपका लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, CV अटैच करना है आपका, जो रिज्यूम है वो अटैच करना है। देन आपका यहाँ पर मैनुअली, यदि आपको है मैनुअली तो मैनुअली कर सकते हो। कवर लेटर, कवर लेटर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कवर लेटर में मेन मेन जो चीज़ें होती हैं वो कवर लेटर में आ जाती है। देन यहाँ पर आपके सबमिट एप्लीकेशन करके आपको जितनी जल्दी आपका CV शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा और इंटरव्यू आपका डायरेक्ट VC पे होने वाला है, ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू आपका होने वाला है। तो आप जल्दी से अप्लाई कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यही आपको बताना था, होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।